लेकिन जिस तरीके से आजाद साहब भी कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर है और कई जगहों पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस में इंटरनल लोकतंत्र से भी है। देखिए यदि अगर वो सड़क पे सही वक्त पे आ जाते, सही मुद्दे लेकर आ जाते तो आज स्थिति नहीं होती। तो सड़क पर आए होंगे गलत मुद्दे और गलत समय पर और गलत नियत से आए हों, तो उन पर मुझे कुछ नहीं कहना। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब इस तरह की ताकतों से लड़ रहे हो, ऐसे में कुछ लोग उनसे लड़ना चाह रहे हो राहुल गांधी से, तो इतिहास उनको भी याद रखेगा और माफ भी नहीं करेगा। तो इनके विषय में तो क्या बात करूं। आप जब ये कह रहे कि महंगाई के खिलाफ सब लोगों ने आपका साथ देना चाहिए, लेकिन आपके दल में जो है पार्टी में कोई ज्यादातर लोग आपके खिलाफ दिख रहे हैं, राहुल गांधी के विचारधारा के खिलाफ दिख रहे हैं, फिर आप ये कैसे कहेंगे कि भाई इस तरीके के लोग आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपके लोग ही आपके साथ नहीं हैं। हमारे ज्यादातर लोग मतलब कितने गिने आपने, कितने हैं? दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है। गडकरी जी तो सुबह से शाम तक आजकल अच्छी अच्छी बातें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि उनके बारे में वो तो कैबिनेट में है और खुलकर बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। तो देखिए पार्टी में कौन क्या बोल रहा है मायने नहीं रखता। पूरी पार्टी एकजुटता से इन मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष करती हुई दिख रही है और आने वाले दिनों में दिखेगी। आपको मैं निजी तौर पे आमंत्रण देता हूं, आइए रामलीला में। लेकिन दिख जाएगा आपको कि कौन किसके साथ खड़ा। कांग्रेस ने उन्हें बुलाया था लेकिन वो कभी जाना नहीं चाहते। गडकरी साहब ने इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने मुझे कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं बावड़ी में कूदना पसंद करूंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। वो संदेश वो अपने घर में किसी को दे रहे हैं, छोड़िए। आठ सालों का एक पूरा इकट्ठा बताया कि 156% जो है वो कैसे हाइक हुई है, ये चीजें जो है क्या आप लोगों तक ले जाने में असफल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये वोट में कल्टीवेट नहीं हो रहा है। आपने जो सवाल पूछा बहुत सही सवाल पूछा, लेकिन गलत आपने पूछा। ये सवाल मैं मीडिया से पूछा, मैंने अभी अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा हम अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचा सकते, आपके माध्यम से पहुंचा सकते। आपके पास तो आप पहुंचाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं राष्ट्रीय मीडिया से थोड़ा दुखी हूं और होना भी चाहिए और देश भी दुखी, क्योंकि जिस तरह के वो मुद्दे आप रोज शाम को टीवी चलाकर बैठिए, आपको लगेगा कि ये सब तो कोई मुद्दे हैं ही नहीं। महंगाई कांग्रेस तो पता नहीं क्यों इस तरह के मुद्दे उठा रही है कि 40% पेट्रोल बढ़ गया, 75% डीजल बढ़ गया, 156% एलपीजी बढ़ गया। ये मुद्दे आपको टीवी पे अखबारों में क्यों नहीं दिख रहे? ये सवाल मैं उनसे पूछता हूं, आपसे नहीं, क्योंकि आप लोग तो सप्रा जी और अतुल भाई बता रहे थे कि उठाते हैं मुद्दे। लेकिन जो एक लोकतंत्र की शक्ति कैसे, उसमें संचार कैसे होता है, शक्ति विपक्ष और मीडिया की एक समझ होती है। आप विपक्ष मुद्दे उठाता है और वो कोई अपने लिए नहीं उठा रहे, लोगों के मुद्दे हैं, लोगों के लिए उठाए जा रहे हैं। और जिस तरह से हम लोगों के प्रति जवाब दे हैं, भले हम चुनाव हारे हों या जीते हों, उसी तरह से मीडिया भी जवाब दे, हम सब जवाब दे, हम सब लोकतंत्र को ही शक्ति देने के लिए अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सवाल आपका सही है, इसका जवाब हम दोनों को मिलकर ढूंढना। उसका शेड्यूल सबसे बेहतरीन है कि आज का विषय जो है वो महंगाई से लेकर बहुत बार इधर उधर हो जाता है, तो इससे जस्ट अगर हम उसके ऊपर रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मेरी प्रीति आप महंगाई पे बात की आजाद जी ने, पहले बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या गुलाम नबी आजाद ने आज मीडिया से बात करते हुए पेट्रोल की कीमत बताई आपको, दूध की कीमत बताई आपको? आजाद साहब ने प्रेस वार्ता की और महंगाई पे अगर की हो तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। अब वो अपनी करते रहे बात की उनको आगे क्या करना है, करते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। वो काफी साथ कांग्रेस में है लेकिन अभी इस तरह के बयान दे रहे कि कांग्रेस तो उनसे पूछिए ना, ये सब कहा जा रहा है। तो पहले तो अभी उसी जमात का हिस्सा थे, तो उनसे पूछिए ना कि आप कैसे याद आए। अब राहुल जी का मुंबई दौरा कई बार बना और रद्द हो गया, महाराष्ट्र का दौरा बना और रद्द हो गया,
तो क्या राहुल जी मुंबई या महाराष्ट्र नहीं आना चाहते हैं क्या? आप दिल से बुलाइए, देखें जरूर आएंगे आप, बुलाइए ना। पवन जी एक सवाल ये है कि अभी जो अभी सरकारी पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं वो पहले सिलेंडर प्याज बैलगाड़ी लेकिन कई दफा संसद में गए हैं लेकिन उनका प्रभाव उस समय पड़ा। कांग्रेस दल जो आंदोलन करती है उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? आप भैया अपना पूछिए, आप अपने अपने स्तर पे देखिए। नहीं नहीं, हम जब सत्ता में होते हैं हम मीडिया का सम्मान करते हैं। आपको याद होगा 2010, 11, 12, 13 लगातार 4 साल रोज की प्राइम टाइम डिबेट्स कांग्रेस सरकार के खिलाफ होती थी। कोई रोकता था उन्हें? नहीं रोकता, क्योंकि आप लोग का काम है। तो मैं ये बार बार आपको बोलूंगा क्योंकि मैं कुछ वक्त तक पत्रकार रहा हुआ हूं, तो मैं अपना ही मानता हूं और मैं अपने आप को आपका ही मानता हूं, इसलिए मैं हक से बोलता हूं। ये सवाल आप जो पूछते हो ना, इसमें मिलकर अपन लोग जवाब ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये मत कह देना कि साहब उस वक्त जब अटल जी बैलगाड़ी पे आते थे तो कवरेज होता था, तो वो सर्टिफिकेट आप उस वक्त की सरकार को दे रहे। सर्टिफिकेट विपक्ष को मत दीजिए, सर्टिफिकेट सरकार को दीजिए। और इस सरकार को भी एक सर्टिफिकेट दे दीजिए कि वो मीडिया को स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करने दे। दिख रहा है आपको कभी आता है कि वो हॉस्टाइल टेक ओवर हो गया एक चैनल का, रोज हो रहा है। अब किसी दिन असलियत मालूम पड़ेगी सारे चैनल हैं किसके। जिस तरह का मोदी जी पर आरोप लगाया उन्होंने महंगाई का, तो फिर छोड़िए ना। अरे साहब मुद्दा महंगाई है, मुद्दा नरेंद्र मोदी है, आजाद साहब कहां से आते हैं? राहुल जी का पक्ष आपके सामने बैठा है, राहुल जी का पक्ष ये मुद्दे उठा रहा है, आजाद साहब का पक्ष जो उठा रहा है वो आप देख ही रहे हो। लेकिन मुझे राज्यसभा नहीं मिली, अब ये होता है क्या? कोई बताइए आप, मुझे राज्यसभा किसी को नहीं मिले वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 410 रुपए का सिलेंडर 1053 में मिल रहा है? बताइए आम आदमी के लिए किसी की राज्यसभा क्या महत्व रखती है, मुझे बताइए। बीच में सवाल तो आपने भी उठाए, मैंने कोई नाराजगी नहीं है, मैंने तो अपने ऊपर नाराजगी रखी कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। मैं किसी पर नहीं बोलता हूँ, मैं पार्टी का तपस्या कांग्रेस में होती है जो नहीं 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 मेरा बड़ा स्पष्ट है, कुछ मिले नहीं मिले हम लोग जितने लोग बैठे हैं हम लोग लड़ के इस तरह की विचारधारा को इस देश से बाहर कैसे करना है। हमारा पूरा 24 घंटे राहुल गांधी हो या कोई और उनके सैनिक हो, हम सब उसी में लगे हुए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट का आप राहुल गांधी का बार बार नाम ले रहे हैं, आप जो पार्टी के सेनाध्यक्ष आप उसको मानते हैं, लेकिन सेनाध्यक्ष अपने पद से भाग रहे हैं, आप नहीं। एक व्यक्ति ने एक नैतिक बल दिखाया कि 2019 की हार की जिम्मेदारी ली। मुझे लगता है उसमें हम सबसे ये गलती हुई कि हम लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली, अकेले उस व्यक्ति को लेने दी। और आज जो जिनका नाम आप बार बार ले रहे हैं, उन्होंने भी अपने पत्र में लिखा कि राहुल जी ने इस्तीफा क्यों दिया था। अरे साहब आपको इतना ही बुरा लगा उनका इस्तीफा देना, आप भी इस्तीफा दे देते सीडब्ल्यूसी से, बैठ जाते धरने पर, क्यों नहीं बैठे? तो इसलिए ये सब बातें नहीं है कि वो भाग रहे हैं। एक व्यक्ति ने आज इस दौर में भी एक नैतिक शक्ति दिखाई और जिम्मेदारी ली। कौन है जिम्मेदारी लेते हैं? ये जो भाग गए हैं, अभी कितने राज्यों के प्रभारी रहे हैं, कितने जिता के लाए, ली जिम्मेदारी नहीं ली ना? एक सबको सीखना चाहिए राहुल। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।